हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स इन द। यहाँ पर एक मैच हो रहा है अर्जेंटीनियन लीग का, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ वर्सेस 12 के सेंट्रल के बीच खेला जाएगा 5:30 बजे। एंड बात करें, ये मैच बहुत ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि दोनों टीम्स बहुत ठीक ठाक है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ज़्यादा कमज़ोर। नहीं, 12 का सेंट्रल तो इस साल कमज़ोर है, सॉरी, पिछले साल अच्छी थी, इस साल ये कमज़ोर है, बिल्कुल लास्ट रैंकिंग पे है। INT बीच में है, बिल्कुल मिडल ऑफ द रैंकिंग में। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो INT और BAC में जो मैच हो रहा है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा भाई, मतलब डबल साइड को, क्योंकि कई बार डबल साइडेड मैचेस आ जाते हैं, मतलब पूरा पूरा हफ्ता डबल साइडेड मैचेस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर बार सीज़न के अंदर स्ट्रॉन्ग टीम्स का स्ट्रॉन्ग के साथ मुकाबला होता ही होता है और लो टीम का लो टीम्स के साथ मुकाबला होता है। तो वो दो जो टीम्स होती है ना, उनका परला, किसी एक टीम का जो परला भारी होता है ना, वो छांटना बहुत मुश्किल है जब दो स्ट्रॉन्ग टीम भिड़ती हैं या जब दो वीक टीम भिड़ती हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो स्ट्राइकिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए INT टीम के अंदर ए मार्टिनेज एक पेनल्टी टेकर के तौर पे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, एंड एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर मान के, क्योंकि प्राइमरी स्ट्राइकर इनका एस रॉड्रिग्यूज़ भी हो सकता है, इनका जी रॉड्रिग्यूज़ भी हो सकता है, वो जो भी खेलेगा वो लोग यही जानते हैं, ठीक है। बाकी मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं तो कुछ अलग खेल रहा हूँ, मैं डोमिंग्यूज़ को तो लूँगा, डोमिंग्यूज़ के बाद मैं सुप्लवेडा अगर खेलेगा तो मैं इसके साथ जाऊँगा, क्योंकि सुप्लवेडा की इंजरी ठीक हुई है, सो मैं सुप्लवेडा के साथ हूँ भाई, क्योंकि फ्रियस को मैं लेना नहीं चाहता था इस मैच में। सिर्फ मेरे दो ऑप्शन थे, एक सुप्लवेडा और एक जी रॉड्रिग्यूज़, इन दोनों में से कोई एक। तो मिडफील्डिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर मैं लूँगा अपना प्लेयर जो कि है BAC टीम का, इवैन तापिया का गोल आना तो मींस एक तरह इम्पॉसिबल ही समझो, मतलब किसी चीज़ को इम्पॉसिबल तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि 99% चांस इसके नहीं है गोल करने के, अगर ये असिस्ट भी करके बड़ी बात है। फिर आप पूछ रहे होंगे कि तूने क्यों लिया, भाई मेरा इस प्लेयर को लेने का मेन रीज़न था सिर्फ पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए, हमें गोल असिस्ट, भले वो जिससे मर्जी आए, गोल से आए, असिस्ट से आए, नहीं आए, ठीक है, बट सिर्फ पॉइंट चाहिए। एंड बी क्वेलो की बात करें, INT का मेन प्लेयर, ठीक है, उसके बाद इनके जो निचले प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने ऊपर शिफ्ट किया है, जिस कारण इनकी सिलेक्शन बढ़ गई है। यार ये गलत हो गया, क्योंकि मैं हमेशा लो सिलेक्टेड प्लेयर्स लेता हूँ, अब इन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को ऊपर डाल दिया और लोगों ने फटाफट पिक कर लिए, तो जिस कारण सिलेक्शन आपको ज़्यादा बढ़ती दिख रही है, बट कोई बात नहीं, वी हैव टू मैनेज। एंड बात करें डिफेंडिंग की, तो यहाँ पर लूँगा एल्वेरेस को, एल्वेरेस के बाद जो अगला खिलाड़ी होगा वो होगा ऑपोजिशन टीम का एलेक्रॉन, ठीक है, एलेक्रॉन जानबूझ के लिए है, क्योंकि मैं एक ही साइड के कितने डिफेंडर नहीं ले सकता। एंड अगला जो हमारा प्लेयर है दैट वॉज निकोलस के बाद एक फेवरेट प्लेयर जी इग्नाशियो डियाज, भाई साहब इस बंदे को डिफेंडिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत ही मिडफील्डिंग की भी नॉलेज है और एक्सपीरियंस लिटल बिट सा है। एंड आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर मैं लूँगा रोफो को, एम रोफो, लेट्स सी कैसा खेलता है, बिकॉज रोफो मैंने मतलब रोफो के बारे में खास तो नहीं सुना, बट ठीक है, हम ट्राई करेंगे। बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारा गाइस डोमिंग्यूज, और जो हमारा वाइस कप्तान है वो हो सकता है हमारा कोई डिफेंडर जैसे कि एफ एल्वेरोस, ठीक है। तो ये हमारी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।